तो पहला गल करांगे 2024 लोकसभा चोणा दी, जिस नूं लैके श्रोमणी अकाली दल ने तैयारी खिंच दित्ती है। अकाली दल ने चोणा लई पहले उम्मीदवार दा ऐलान कर दित्ता। लुधियाणा सीट तो उम्मीदवार दा ऐलान कीता गया, विपन सूद काका नूं लुधियाणा सीट तो पहला उम्मीदवार ऐलान दित्ता गया। सो 2024 दे विच लोकसभा चोणा होणियां ने, जिस नूं लैके अकाली दल ने तैयारी खिंच दित्ती है। लुधियाणा दे विच अकाली दल दे वल्लों पहले उम्मीदवार दा ऐलान कीता गया, लुधियाणा सीट तो उम्मीदवार दा ऐलान कीता गया। विपन सूद काका ते श्रोमणी अकाली दल ने अपना भरोसा जताया है ते विपन सूद काका नूं लुधियाणा सीट तो उम्मीदवार ऐलानिया गया। सो इस वेले दी वड्डी खबर है कि 2024 लोकसभा चोणां दे लई अकाली दल तैयार नजर आ रहा है। अकाली दल ने तैयारी खिंच दित्ती है। अज लुधियाणा दे विच सुखबीर बादल दी अगवाई दे विच मीटिंग भी होई है, मिलनी होई है वर्करां दे नाल, ते जिथे सुखबीर बादल ने लोकसभा चोणां लई अपनी पार्टी दे वल्लों पहले उम्मीदवार दा ऐलान कर दित्ता। लुधियाणा सीट तो ही उम्मीदवार दा ऐलान कीता गया, विपन सूद काका नूं लुधियाणा सीट तो उम्मीदवार ऐलानिया गया। वधेरी जानकारी देणगे साडे सहयोगी विवेक। विवेक, की कुछ जानकारी, वड्डा ऐलान अज श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों कीता गया, लोकसभा चोणां नूं देखदे होए पहले उम्मीदवार दा ऐलान कीता गया। जी बिल्कुल, लगातार श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल वर्करां दे नाल मीटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। वख-वख शहरां च जाके पार्टी नूं मजबूत करन वास्ते लगातार मीटिंगां दा दौर चल रहा सीगा, ते अज लुधियाणा पहुंचे सीगे, पार्टी वर्करां दे नाल मुलाकात की, युवा जिहड़े आगू ने पार्टी दे उहनां दे नाल मुलाकात की, पार्टी नूं होर मजबूत करन वास्ते जिथे विचार चर्चा हुई उत्थे अज दे लुधियाणा दौरे दे दौरान वड्डी गल निकल के सामने आई कि 2024 इलैक्शनां नूं लैके भी पार्टी हुण जिहड़ा वा अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आई है। तो लुधियाणा तो विपन सूद काका जिहड़े 2017 के इलैक्शन लोक इंसाफ पार्टी की टिकट तो लुधियाणा सेंट्रल तो लड़े थे, बाद च श्रोमणी अकाली दल के शामिल हो गए थे। उन्होंने एम पी मैंबर पार्लीमेंट का उम्मीदवार घोषित किया वा सुखबीर बादल ने लुधियाणा तो। बिल्कुल विवेक, असीं इत्थे इह जानना चाहवां जी, विवेक तुहाडे तों बाद च जानकारी लैंदे आ। साडे नाल उम्मीदवार ऐलाने विपन सूद काका जी साडे नाल जुड़े ने, सीधा उन्हां दे नाल गलबात करांगे। विपन जी स्वागत है जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। नमस्कार जी, विपन जी सब तो पहला वधाइयां कि श्रोमणी अकाली दल ने पार्टी प्रधान ने तुहाडे ते भरोसा जताया, तुसी की कहना चाहोगे? एक वड्डी जिम्मेवारी दे दित्ती गई है, वड्डा भरोसा सुखबीर बादल दे वल्लों तुहाडे ते जताया गया। पहलो तां प्रधान सुखबीर सिंह बादल जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, दूसरा मेहनत करके सीट जित के प्रधान जी की झोली च पावांगे तां जो लुधियाने नूं इक मॉडल सिटी बना सकी। जी विपिन जी, असीं इह जानना चाहांगे कि जिवें 2024 दे विच लोकसभा चोणां ने, हजे तक किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान दे विच नहीं उतारिया, ते की लगदा है कि पहले उम्मीदवार तुसी ही हो जिन्हां नूं अकाली दल ने मैदान दे विच उतारिया, ते जदों कोई राइवल पार्टी अपना उम्मीदवार उतारदी है ते इक मजबूत दा पक्ष वी वेख्या जांदा कि सामणे कौण आके खड़ा होएगा, इस चीज नूं तुसी किवें वेखदे हो कि पार्टी वल्लों बहुत जल्दी कीती गई उम्मीदवार उतारन च? उन्होंने मैनू टाइम दिता है भी अपना वर्किंग करके लोगों का भरोसा मेरे ते बहुत सी, उन्होंने प्रधान जी ने भी भरोसा सी, मेहनत करके सीट जीत के प्रधान जी झोली पाइए यही सोच के उन्होंने मैनू टाइम तो पहलो मतलब टाइम दिता भी अपनी अज तो ही वर्किंग स्टार्ट कर दो। विपिन जी, लोकसभा चोणां ने केड़े केड़े मुद्दे होणगे जिहड़े तुसीं अगे रखोगे पंजाब दे? डिवेलपमेंट दे, जिहड़े नशा चल रहा है, गैंगस्टर चल रहा है, इहदे ते नत्थ पाणी है, रवनीत बिट्टू जी ने उन्हां दी कारगुजारी नूं तुसीं देख कीवें वेखदे हो, ते उन्हां दी कारगुजारी नूं वेखदे होए तुसीं अपने काम नूं या पंजाब दे जो मुद्दे तुसीं रखणे होणगे उस नूं किस तरह उन्हां दे विच सुधार करोगे? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਦੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵਿਪਿਨ ਸੂਦ ਕਾਕਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਿਵੇਕ ਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ।